रानी को महारानी मैंने बना दी विधायक ने आज सम्मान समारोह में गिनाई अपने 5 वर्षों की उपलब्धियां। रानी में कन्या महाविद्यालय के सम्मान समारोह में विधायक खुशी सिंह जोजावर ने 5 वर्ष में उनके द्वारा माड़ जंक्शन विधानसभा क्षेत्र में करवाए गए विकास कार्यों का उल्लेख किया। उन्होंने बताया कि किसी राजनीतिक दलों के नाम लिए कहा कि माड़ जंक्शन क्षेत्र में उनके कार्यकाल में जो विकास कार्य हुए उतने पिछले 17 सालों में नहीं हुए। उन्होंने कहा कि रानी में कन्या महाविद्यालय खुलने से रानी महारानी बन गई है। उन्होंने जातिवाद का विरोध करते हुए कहा कि वे 37 कौम को साथ लेकर चलते हैं, इसके लिए राष्ट्रीय पार्टियों को पराजित करके हुए जनता ने उन्हें जितवाया है। उन्होंने कहा कि कार्यकर्ता ही नेता को जिताते हैं, कार्यकर्ताओं के बिना नेता का वजूद नहीं होता है। पूर्व विधायक पर कटाक्ष करते हुए कहा कि उन्होंने विकास कार्य नहीं करवाए, अब किस मुँह से जनता के सामने वोट मांगने जाएंगे। उन्होंने रानी में रोडवेज डिपो खुलवाने का आश्वासन दिया। खुशी सिंह ने कहा कि विधानसभा में अगला उनका कार्यकाल युवाओं के लिए होगा। युवाओं के लिए उन्होंने कई कानून पास करवाएंगे जिनमें सरकारी नियुक्तियां जिलेवार होगी, जिले के अभ्यर्थी को प्राथमिकता मिलेगी। उन्होंने कहा कि मारवाड़ के मगरा क्षेत्र में रावत समाज और राजपूत समाज के 100% सरपंच उनके साथ हैं। उन्होंने जोजावर में फूड पार्क के खुलने से किसानों को लाभ होने सहित कई बात कही। जोजावर में पशु भ्रूण प्रत्यापन केंद्र खुलवाया जिससे पशुपालकों को 80 नस्ल के पशु उपलब्ध हो गए। विधायक ने मुख्यमंत्री अशोक गहलोत द्वारा लागू की गई जन कल्याणकारी योजनाओं को लोगों के लिए वरदान बताते हुए मुख्यमंत्री का धन्यवाद अर्पित किया गया। इस अवसर पर कई वक्ताओं ने विधायक खुशी सिंह जोजावर द्वारा करवाए गए विकास कार्यों की सराहना की। रानी में आने पर प्रताप बाजार में लोगों ने भव्य स्वागत किया। रानी में कन्या महाविद्यालय का स्थान अभी चिन्हित नहीं हुआ। विधायक खुशी सिंह ने रानी में कन्या महाविद्यालय भवन नगरपालिका के पीछे ही बनवाने के लिए प्लेट का कपड़ा हटाकर शिलान्यास की रस्म अदा की, लेकिन नगरपालिका अध्यक्ष भरत राठौर ने प्लेट का शिलान्यास करने से पूर्व ही मंच पर उनके उद्बोधन में कह दिया था कि नगरपालिका ने उक्त जमीन का नाप करवाया जिससे वह जमीन मात्र 2.5 बीघा ही है, जो नियमानुसार भौतिक तौर पर काफ़ी कम पड़ती है। महाविद्यालय के जमीन के लिए 9 बीघा की जमीन की जरूरत है, क्योंकि वहाँ पर जैसे कक्षाएं बढ़ेगी कमरों की ज़्यादा जरूरत पड़ेगी, विषय भी बढ़ेगी, कई फैक्ट्रियां भी होगी, खेल मैदान, हॉस्टल, स्टाफ रूम आदि के लिए पहले से ही बड़ी जमीन की आवश्यकता है, जिसके लिए कार्रवाई चल रही है। अंत में धर्मेंद्र जैन ने धन्यवाद अर्पित किया। इस मौके पर प्रताप श्यामकर मेरदिया, रानी नगर पालिका अध्यक्ष भरत राठौर, उपखंड अधिकारी सुबोध सिंह चारण, तहसीलदार जितेंद्र सिंह राठौर, CBO भवानी सिंह राणावत, अधिशासी अधिकारी प्रताप सिंह भाटी, पूर्व प्रधान सुमेरपुर हरिशंकर मेवाड़ा, पंचायत समिति सदस्य लुम्बाराम देवासी, हनुमान सिंह पपसा, मार्केटिंग अध्यक्ष गणपत सिंह संकावत, इंद्र सिंह इंसाली, नारायण सिंह आखड़ावास, गोविंद सिंह ओडवाड़िया, पूर्व पालिका अध्यक्ष घिसुला चौधरी, मुलालाल मैनचंद, बुराराम देवासी, राकेश जैन जोजावर, पार्षद कपूराराम प्रजापत, पूर्व पार्षद छोटू सिंह राजभोत, महिला जिला उपाध्यक्ष गीता रांगी, जिला महिला सचिव सरोज कंवर शेखावत, ब्लॉक महिला कांग्रेस अध्यक्ष हुसैना बानो, बाबूलाल जांगिन, मालाराम राठौर, दीपाराम गर्ग, संगनलाल माली, बोमाराम मालवीय सहित बड़ी संख्या में महिलाएं पुरुष इस मौके पर मौजूद रहे तथा क्षेत्रीय विधायक की उपलब्धियों का बखान किया। विकास कार्य करवाने पर क्षेत्र के लोगों ने मुख्यमंत्री सहित क्षेत्रीय विधायक का धन्यवाद किया। मैं तो कन्या महाविद्यालय अब तो महारानी बन गई भाई, फिर कन्या महाविद्यालय रे एक कार्यक्रम रहो पधारियोड़ा सभी मारे मेहरबान, और इन कार्यक्रम ने सफल बनाने वास्ते कार्यकर्ता लालनाथ 15 दिन रात ने पीड़ा चावल बांट देने आया है, कार्ड देने आया है, आमंत्रण देने आया है। मैं सभी कार्यकर्ताओं ने बधाई मारी।